अब अपन जब बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अपना मतलब क्या होता है? जब मैंने बोला कि जैसे अपन स्कूल के कंटेक्स्ट में बात करते हैं कि जैसे भाई इस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इस स्कूल का एजुकेशनल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इसका कैंपस बहुत, तो जब मैं बोलता हूँ कि किसी स्कूल के पर्सपेक्टिव से मैं बोलूंगा कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा, तो आप क्या बोलोगे? भाई स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अच्छी है, स्विमिंग पूल है, कॉरिडोर है, कैंपस बहुत अच्छा है, अट्रैक्टिव है कि नहीं? तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया कि भाई आपको उस जगह जाने के लिए वो एक अट्रैक्टिव फैक्टर बन जाता है, कि जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ, ठीक है? तो अगर वो अट्रैक्टिव रहेगा सब चीज, जैसे आपका अगर स्कूल है तो आपका एजुकेशन एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा रहेगा एंड आपका बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा रहेगा, तो आपके स्कूल का क्या होगा? बेसिकली आपके स्कूल के लिए लोग जाना पसंद करेंगे, आपके स्कूल में लोग एडमिशन लेना पसंद करेंगे, स्कूल में एडमिशन लेना पसंद करेंगे, तो एट द एंड क्या होगा? आपके स्कूल का इकोनॉमिक जो वो है, बैकग्राउंड है, वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है? तो अपन लोग इधर पढ़ने वाले हैं कि अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है? तो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स क्या क्या है, उसके लिए पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा कि जब अपन कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो अपन व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिनेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज फिजिकल फ्रेमवर्क ऑफ फैसिलिटीज विच फैसिलिटेट इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ पीपल। तो फिजिकल फ्रेमवर्क ऑफ फैसिलिटीज को आप अंडरलाइन करेंगे, क्या है ये फिजिकल फ्रेमवर्क है, किस चीज का, किन चीजों का फिजिकल फ्रेमवर्क है? कुछ फैसिलिटीज का फिजिकल फ्रेमवर्क है जो फैसिलिटेट करते हैं आपके इकोनॉमिक लाइफ को और जो फैसिलिट करते हैं आपकी सोशल लाइफ को, ठीक है? अभी इसके अंदर ब्रॉड क्लासिफिकेशन है दो तरह की के, एक होता है आपका इकोनॉमिक क्लास इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक होता है आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे आपकी इकोनॉमी में बूम आए। इकोनॉमी में बूम कैसे आता है ये देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर विच प्रमोट्स प्राइमरीली द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने पब्लिक यूटिलिटीज, वाटर, रोड्स बना दिए, सब बना दिया, तो क्या हो गया, उस जगह की इकोनॉमी को बूस्ट मिल जाता है। कैसे? आपने किसी गांव तक के सड़क बना दी, ठीक है? तो सड़क बना दी तो क्या होगा, उस गांव गांव की आउटरीच बढ़ जाएगी, वहां पे यूटिलिटी सर्विस आना पहुंच जाएगी, वहां पे सब कुछ होने लग जाएगा, धीरे धीरे वहां पे सेटलमेंट भी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि अब इस गाँव तक पहुंचना बहुत आसान है। मैंने क्या किया, मैंने शहर के आउटस्कर्ट्स में फैक्ट्रीज के हिसाब से एक SEZ बना दिया, एक MIDC टाइप कुछ एरिया बना दिया, जहाँ पे मैंने उनको इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर का इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे जो बेसिक इंडस्ट्रीज को इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है वो मैंने सब उनको प्रोवाइड कर दिया। तो उससे क्या होने वाला है, अगर मैंने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड कर दिया तो डेफिनेटली वहाँ पे लोग आएंगे, अपनी अपनी इंडस्ट्रीज वहाँ पे खोलेंगे, क्योंकि वो थोड़ा हैजल फ्री काम हो जाएगा। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया, आपका ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डायरेक्टली आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड है, मतलब वहां पे आप इन्वेस्ट करोगे तो उसका डायरेक्ट रिलेशन आपके किसमें होगा, आपकी इकोनॉमिक लाइफ में होगा, ठीक है? द वर्ल्ड बैंक हैज गिवन मोर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड सर्विसेज फ्रॉम पब्लिक यूटिलिटीज, पावर, टेलीकम्युनिकेशन, पाइप, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड सुविध, सॉलिड वेस्ट कलेक्शन, डिस्पोजल, पाइप गैस, पब्लिक वर्क्स कवरिंग रोड्स एंड मेजर डैम्स एंड कैनल वर्क्स। जो भी चीज है जिससे आपको इकोनॉमिक एडवांटेज मिलने वाला है वो आपके इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। अब वॉट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल, हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, सैनिटेशन, ये सब प्रॉपर रहा तो आपका क्या रहेगा, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहनी चाहिए, ठीक है? तो ऐसी चीजें या ऐसी फैसिलिटीज जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने में आपको मदद करती है, वो आपके किस में आती है, वो आपके इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आती, वो आपके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। आज अपने प्राइम मिनिस्टर ने अब यदि अपने को बोला है कि अपने को टॉयलेट्स बिल्ड करने हैं, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान खोला है, स्वच्छ भारत अभियान से इंडिया अपने इकोनॉमिक लेवल पे, ट्रेजरी लेवल पे गवर्नमेंट को खर्चा ही हो रहा है, अवेयरनेस कैंपेन, एडवर्टीजमेंट कैंपेन, फिर सैनिटेशन वर्कर्स को अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड करना, साफ सफाई के लिए अच्छे अच्छे मशीनें प्रोवाइड करना। आप लोगों ने देखा होगा शहर में कनक रिसोर्स मैनेजमेंट के कोई ट्रकें घूमती थी जो झाड़ू लगाती थी पूरे सड़कों पे, तो ये सब आपने नोटिस किया, तो ये सब पहले नहीं था, ये अभी आया। इसका मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने उस चीज के ऊपर स्पेंडिंग किया है। तो सर ये अपने को इकोनॉमिकली डाउन क्यों लेके जा रही है, तो इकोनॉमिकली डाउन ले जाना हो गया भाई, अपन लोग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपन खर्चा कर रहे हैं तो अपने अपना तो एक्सपेंस हो रहा है, उसके बदले अपने को कुछ मिल नहीं रहा, तो इकोनॉमिकली अपने डिसएडवांटेजेस हुआ क्या? नहीं। इसके पीछे कंसेप्ट क्या है कि यदि आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा रहेगा, इफ यू लिव अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो ऑटोमेटिकली आपका डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट फर्क आपको किस पे पड़ेगा, आपको इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक हेल्दी लाइफ जी रहे हो, इफ यू लिव हेल्दीली, आप एक अच्छा और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो साफ सफाई में रह रहे हो, ठीक है, तो आप
फिट एंड फाइन रहोगे और आप थोड़े वर्केबल मोड में रहोगे, आपको मेंटल और फिजिकल दोनों सेटिस्फेक्शन रहने वाला है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। नीचे लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री, तो उसको ऑनलाइन कर दो, ऐसे बोल्ड किया हुआ ही है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए पूछा जा सकता है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज नेसेसरी टू कैरी आउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज नेसेसरी टू इंप्रूव कंडीशंस ऑफ दोज हु कैरी आउट दीज एक्टिविटीज। अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है उसके लिए आपको वर्कर्स लगेंगे, लेकिन अपने यहाँ वर्कर्स हेल्दी नहीं है, अपने यहाँ वर्क क्वालिटी ऑफ लाइफ ऐसा है कि वो इतना लॉन्ग आवर्स में काम ही नहीं कर सकते, तो वो आपके लिए कुछ बेनिफिशियल नहीं रहने वाला है। तो यदि आपको इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद उनको यूज करने वाले या डेवलप करते टाइम उनको बनाने वाले अगर आपके फिट एंड फाइन नहीं रहेंगे, तो आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी फ्लरिश नहीं हो पाएगा। इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री तो है, साथ में भी चलते हैं, लेकिन वो इंटरडिपेंडेंट भी, मतलब एक दूसरे के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी भी है। क्यों है? Qualified and healthy human resources necessary to produce economic infrastructure. On the other hand, economic infrastructure in terms of power, transportation, roads is necessary to create social infrastructure facilities concerning health, education, housing. मतलब मैंने अगर economic infrastructure, मैंने roads नहीं बनाया, मैंने बाकी सारी चीजें नहीं बनाई, तो मेरा ये वाला infrastructure, social infrastructure सुधर नहीं सकता, right? अगर मैंने roads और connectivity और ये सब नहीं बढ़ाया, तो मेरा hospital, school, education जो भी खोलूंगा कि वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी। मतलब आपको इकोनॉमिक के लिए भी सोशल की जरूरत पड़ती है, सोशल के लिए भी आपको इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री भी है और दोनों इंटरडिपेंडेंट भी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, 4 मार्क का क्वेश्चन या 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहला इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। कैसे? क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इज इंप्रूव्ड बाय, अंडरलाइन करेंगे, कंसर्निंग हेल्थ, एजुकेशन, housing, sanitation and environment available in the country. These enables people to avail better opportunities of employment and raise their standard of living. अगर आपके economy में basics आपके पास already है और आपके general health conditions अच्छी हैं, तो आपको fit हो जाते हो और आप एक better employment और के लिए आप apply कर सकते हो। आपकी potential employment, आपके अच्छे employment की potential बढ़ जाती है। Next, raises productivity. अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर सही रहा तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका, वो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाता है। आपने अच्छा एजुकेशन, अच्छा हेल्थ प्रोवाइड किया है अपने इंडस्ट्री में, मतलब अपनी इकोनॉमी में, आपने अच्छा खर्चा किया, आपने अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है जो हेल्थ का हो या एजुकेशन का हो, तो आप नोटिस करोगे कि आपका जो एक ह्यूमन बन के आने वाला है वो एक अनस्किल्ड काम के लिए नहीं, बल्कि स्किल्ड काम के लिए वो एक एम्प्लॉयबल कंडीशन में रहेगा। और जो बंदा स्किल काम के लिए एम्प्लॉयबल रहता है वो डेफिनेटली अर्न उससे ज्यादा करता है जो अनस्किल्ड कामों के लिए एम्प्लॉयबल है। ठीक है, नेक्स्ट, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉर्म्स ऑफ पावर, ट्रांसपोर्टेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन क्रिएट्स कंडीशन सूटेबल फॉर कैरिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं किया, अगर मैंने वाटर प्रोवाइड नहीं किया, तो मेरे यहाँ इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं हो सकती। तो मेरे को वाटर कैनल्स बनाना, डैम्स बनाना, मुझे क्या बोलते इलेक्ट्रिसिटी बनाना, टेलीकम्युनिकेशन के टावर्स डालना, ये सब पे भी मुझे खर्चा करना इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो मेरा अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ना है तो वो दोनों सोशल और अपने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों की वजह से होता है, अकेले एक से नहीं होता। एंड लास्ट इज प्रमोट्स ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। अब कैसे? अगर आपने अच्छी रोड्स बनाई, देखो सबसे पहला पॉइंट है बेटर रोड्स, कंटिन्यूस पावर सप्लाई, कंट्री वाइड कम्युनिकेशन सिस्टम एक्सेट्रा, ऑल लीड टू फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, गुड्स एंड पीपल थ्रू आउट द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री। इट हेल्प्स इन मार्केट टू स्प्रेड ओवर द कंट्री एंड द वर्ल्ड एंड कम क्लोजर टू ईच अदर, इन टर्न एक्सपैंड ट्रेड। दिस सपोर्ट सिस्टम फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। मतलब क्या हो गया कि आप नोटिस करोगे अगर कहीं पे, जैसे नागपुर में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, आप एयर कनेक्टिविटी बोलो, आप रेल कनेक्टिविटी बोलो, आप रोड कनेक्टिविटी बोलो, तो नागपुर एक बहुत बड़ा मार्केट भी है। बहुत सारे स्टूडेंट पब्लिक आती है यहाँ पे, आसपास के गांव के, आसपास के शहर के, इवन आप मानोगे नहीं, रायपुर के पास जो राजनांदगांव है, यहां तक के लोग नागपुर पढ़ने आते हैं। बल्लार शाह, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, यहाँ से लोग नागपुर पढ़ने आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। अच्छा, अब जब यहाँ पे लोगों का इन्फ्लक्स ज्यादा होगा बच्चों, तो लोगों का इन्फ्लक्स ज्यादा होगा तो क्या होगा, उन लोगों को रहने के लिए स्पेंडिंग की जरूरत पड़ेगी, और जब वो स्पेंड करेंगे तो यहाँ पे स्पेंड करेंगे, यहाँ पे स्पेंड करेंगे मतलब क्या होगा, यहाँ के लोगों का इकोनॉमी अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल कॉलेजेस जब छूटते थे तो आप नोटिस करते होंगे काफी ठेले वाले होते हैं, वो स्कूल छूटने के टाइम पे वहां पर ठेला लगाते हैं। क्यों? 100 बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, 50 बच्चे भी आके उसका अगर चाट खा लिया, पानी पूरी खा लिया, चना चोर खा लिया, तो क्या होगा,
उसका धंधा बढ़ जाएगा। तो जितने ज्यादा लोग आपके कंट्री या इकोनॉमी में आएंगे, ठीक है, जितना ज्यादा आप क्लोजर हो जाओगे उतना ज्यादा आप अपने मार्केट को बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, पहले बहुत पहले जब अपने यहाँ रोड्स अच्छे नहीं हुआ करते थे, तो नागपुर में जो फ्रूट्स जैसे एप्पल और वो जो नॉर्थ इंडिया के जो टिपिकल कोल्ड एनवायरनमेंट वाले फ्रूट्स होते थे, वो इतना इजीली नहीं मिलते थे, और मिलते भी थे तो बहुत महंगे मिलते थे। लेकिन अब रोड कनेक्टिविटी अच्छी होने की वजह से क्या हो गया, आपको जल्दी भी मिल जाता है, अच्छा कंडीशन में मिलता है, एंड थोड़ा डिमांड को केटर करने के लिए सप्लाई भी उनका बढ़ चुका है। तो बेचने वाले के लिए कैसा बेनिफिट है, बेचने वाले को एक बहुत बड़ा मार्केट मिलता है और खरीदने वाले को बहुत सारी चॉइसेस मिलती है। समझ में आया बच्चों? ये 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। यस ओके, यस सर, एनर्जी आपके कोर्स में नहीं है, ये हट डिलीटेड है आपके एग्जाम आपके सेशन के लिए, सीधे आप लोग आ जाएंगे हेल्थ पे। ठीक है, व्हाट इज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर? हेल्थ सेक्टर कंप्राइजेस ऑफ इंस्टीट्यूट्स लाइक हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, हेल्थ सेंटर्स, मेडिकल कॉलेजेस, इंडिविजुअल्स दैट इज डॉक्टर्स, नर्सेस, मेनली प्रोफेशनल्स एंगेज इन प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विस टू पीपल। ठीक है, तो आप लोग देखो, इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स एंगेज इन प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज टू द पीपल, ये आपके किस में आ गए, ये आपके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गए। मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ आपने हॉस्पिटल बना दिया तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है नहीं, ऐसा ऐसा अच्छा है ऐसा नहीं होगा। अगर आपने हॉस्पिटल खर्चा करके बना भी दिया बहुत बढ़िया, लेकिन उस हॉस्पिटल में काम करने के लिए आपके पास क्वालिटी डॉक्टर्स नहीं है, मतलब आपके पास बेसिक डॉक्टर्स, एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपके उस इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ही नहीं है। तो जब अपन बात करते हैं बच्चों हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वो सिर्फ आपके हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स बोलो या इस चीज से बोलो नहीं होता, वो आपके एक कलेक्टिवनेस होती है, किसमें, आपके डॉक्टर्स, नर्सेज, बाकी मेडिकल प्रोफेशनल्स, ये सब भी जब मिलके आते हैं, मतलब आपकी बिल्डिंग्स के साथ साथ आपके जो एक्चुअल जो काम करने वाले जो लोग हैं, वो सारे के सारे आपके किसमें आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगे। अभी आप सोचो, अभी अपन लोगों ने कोविड-19 अपन लोग देख रहे हैं, तो कोविड-19 में आपने देखा होगा कि काफी टाइम पहले जब इनिशियल स्टेजेस में आया था, तो सब अपने हेल्थ वर्कर्स के लिए बहुत क्लैप करते थे, अपन लोग दिया लगाया, क्लैप किया अपन ने, तो क्यों किया, वो उनको एंकरेज करने के लिए और उनको ये भरोसा दिलाने के लिए कि भाई द कंट्री इज बैकिंग यू, गो फॉरवर्ड, आप एक वॉरियर हो, आप वो आप आगे बढ़िए और आप अपना काम करिए। ये जरूरी क्यों था, वो जरूरी इसलिए था क्योंकि उनको भी ऐसा लगना चाहिए कि भाई मेरा काम जो है वो मेरा काम कोई मेरे काम को सराहा जा रहा है, आई एम वी आर बींग प्रेज्ड। ऐसा जरूरी क्यों है, क्योंकि वो अगर मेंटली और फिजिकली पीसफुल और फिट रहेंगे तो उतना ही अच्छे से वो काम कर पाएंगे। अभी वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज है, उन सारी की सारी कंट्रीज की पोल पट्टी खोल गई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अपन लोग पहले पढ़ा करते थे कि बहुत बढ़िया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है इस कंट्री का, उस कंट्री का, कोविड ने आके सारी की सारी कंट्रीज के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खोल दी। कोई भी कंट्री ऐसी नहीं थी जिसके पास वेंटिलेटर सफिशियंट थे, कोई भी कंट्रीज ऐसी नहीं थी जिसके पास दवाइयाँ प्रॉपर थी, कोई भी कंट्रीज ऐसी नहीं थी जिनके यहाँ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है दवाइयों का, वो इतना परफेक्ट था कि इस तरह के वायरस से भी अपने आप को प्रिपेयर कर सके। अभी 2-2.5 महीने बाद, समझ लो दिसंबर एंड में कोविड-19 को डिस्कवर हुए, 1 साल पूरा पूरा हो जाएगा, एंड अभी तक अपने यहाँ कोई 100% श्योरिटी वाली वैक्सीन का इजाद नहीं हुआ, ना ही इंडिया में ना ही वर्ल्ड में। तो आप सोचो कि अपन लोग अभी भी कितने ज्यादा अनप्रिपेयर्ड या इग्नोरेंस में जी रहे थे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपने यहाँ अच्छा अच्छा तो है, नो डाउट, ऐसी कोई बला बार बार नहीं आती है, हर साल नहीं आती है, लेकिन ऐसी कोई आ गई तो उसके लिए अपने को क्या प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, ऐसा तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं। आई नो वापस ऐसा कुछ हो, या मैं तो चाहता हूँ ऐसा नहीं हो, कुछ भी ऐसा ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहता ऐसा हो, बट आपको एक चीज तो पता चल गई कि आप कितना ही कर लो, आप एक मास लेवल पे एक एपिडेमिक या पैंडेमिक जिसको अपन कहते हैं, अगर वो हो गया तो यू गाइज या वी गाइज या इस वर्ल्ड की कोई भी कंट्री उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं। ठीक है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया एग्जिस्ट बोथ एट गवर्नमेंट लेवल एंड एट प्राइवेट सेक्टर लेवल। आउट ऑफ द टू, गवर्नमेंट सेक्टर हैज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड एज वेल एज रेगुलेट हेल्थ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस। गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अंडरलाइन करोगे क्या इंस्टीट्यूट क्या है गवर्नमेंट ने, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉर असिस्टिंग गवर्नमेंट इन मैटर्स ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। द स्टेट गवर्नमेंट द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट लेवल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। अब अपन टेबल आया इसका, ठीक है, तो देखो 1951 में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज
कितनी थी, 9,000 से अब वो बढ़ के 44,000 हो गई है। हॉस्पिटल बेड्स 120,000 थे, अब वो 630,000 हो गए। नर्सिंग पर्सनल 18,000 थे, वो 23,000-24,000 हो गए हैं। एलोपैथिक डॉक्टर्स तो 62,000 थे, वो 920,000 हो चुके हैं। द अबव एक्सपेंशन आर टोटल चेंजेस एंड नॉट पर कैपिटा चेंजेस। नोट दैट ड्यूरिंग 1951 टू 2015 नंबर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज एंड बेड्स इंक्रीज्ड टू नियरली 5 टाइम्स, डॉक्टर्स नियरली बाय 15 टाइम्स एंड नर्सिंग पर्सनल बाय 130 टाइम्स। ड्यूरिंग द सेम पीरियड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्रीज इंक्रीज्ड जस्ट बिलो 4 टाइम्स। मतलब अपनी पॉपुलेशन में जो इजाफा था वो 4 टाइम्स अपनी पॉपुलेशन बढ़ गई, लेकिन अपने जो डिस्पेंसरीज बोलो, जो डॉक्टर्स बोलो, वो 5 टाइम्स, 15 टाइम्स और नर्सिंग पर्सनल 130 टाइम्स इंक्रीज हो गए। मतलब क्या हो गया, अपन ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी पॉपुलेशन की ग्रोथ से ज्यादा स्पीड में बढ़ाया, एंड दैट इज अ गुड साइन। ठीक है, however per capita increase in number of doctors and nursing personnel is quite huge. What matters is per capita availability of health services and not total services. मतलब आपके यहाँ per capita क्या services available है। आज भी आप जाओगे, अपन कहने को तो अपने यहाँ इतने सारे doctors हैं, इतने सारे nurses हैं, इतने सारे dispensaries हैं, इतने सारे hospitals हैं, लेकिन अभी भी आप remote corners में जाओगे इंडिया के, आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाओ, उनको बाहर निकलना ही पड़ता है, उनके पास वहाँ पे इतनी facilities अवेलेबल नहीं है। आप जाओ कोई एकदम नॉर्थ इंडिया में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, ये हिली स्टेट्स में जाओगे, आपको ज्यादा कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। राजस्थान के डेजर्ट वाले जो 10-12-15-20 डिस्ट्रिक्ट है, गुजरात के सौराष्ट्र एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट है, कहने का मतलब है कि आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जहां अच्छा है वो बहुत स्कैटर्ड है, हर जगह अच्छा है ऐसा नहीं है। तो आपने को ये इंश्योर करना है कि अपने आप टोटल पर कैपिटा तो हो ही हो, लेकिन पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो है, पर इंसान जो मेडिकल फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी है, वो भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, द स्टेट ऑफ, ये तो गवर्नमेंट का अपन ने देखा, अब प्राइवेट हेल्थ सेक्टर का क्या हुआ। ठीक है, private sector is playing a dominant role in all aspects of health infrastructure, hospitals, dispensaries, medical education, pharmaceutical diagnostics and personal medicare and nursing. A large number of non-profit organizations are also operating and making significant contribution at the community level. With economic reforms and new economic policy resulting in opening of Indian economy to the rest of the world, many non-resident Indians etc are participating in expanding India's health infrastructure. Since medical treatment in India is much cheaper than other counterparts in developed parts of the world, patients from developed countries prefer India for treatment and it is called medical tourism. ये एक बहुत ही important factor है इंडिया के medical, इसका कि भाई medical tourism इंडिया में बहुत बढ़ गया। आप दोनों ने, किसी ने ये सुना है what is exactly medical tourism? सुना है कभी इसके बारे में, YouTube में देखा है, कभी कुछ देखा है? No sir. मेडिकल टूरिज्म एक इंडिया की एक बूमिंग इंडस्ट्री है। आप लोगों को, जैसे शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, आपने सुना नहीं होगा, इंडिया की मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो बहुत अच्छी है और बहुत ही नेक्स्ट लेवल की फैसिलिटीज होती है, एंड मोर ओवर वो बहुत ज्यादा रीजनेबल होती है। बहुत कम ऐसे इंडियंस, मतलब बीमारियां होगी जिसका इंडिया में अच्छे से इलाज नहीं हो सकता। तो जितने भी आपके अफ्रीकन कंट्रीज, इवन पाकिस्तान, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें काफी सारे पाकिस्तानी थे जो इंडिया में मेडिकल वीजा के लिए अप्लाई करते थे, क्योंकि वहां पे फैसिलिटीज है। ठीक है, जैसे आपके अफ्रीकन नेशंस हो गए, आपके गरीब एशियन नेशंस हो गए, इंडिया के जो इमीडिएट नेबर्स हो गए, ये सब लोग आते। इनफैक्ट डेवलप कंट्रीज में भी जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट वहां करा ले, वो सब के सब इंडिया आके अपनी ट्रीटमेंट कराते हैं। तो ये मेडिकल टूरिज्म क्या हो गया, टूरिज्म ये इसलिए बोलते हैं इसको, क्योंकि भाई इंडिया का मेडिकल सेक्टर इतना बढ़िया है कि लोग सिर्फ इंडिया इलाज करने के लिए भी आते हैं। तो ये एक छोटा, जिसने एक सेक्टर हुआ करता था पहले, वो थ्रू आउट द ईयर्स वो इतना बड़ा हो गया कि ये एक, अपन ने इसको बोल दिया टूरिज्म का नाम दे दिया। टूरिज्म मतलब घूमने वाला टूरिज्म नहीं, लेकिन जस्ट बिकॉज इंडिया लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो इलाज कर रहे हैं, तो उससे डबल फायदा होता है। वो इंडिया आते हैं, अपनी करेंसी में, अपनी करेंसी परचेस करते हैं तो बदले में डॉलर्स देंगे, एंड उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद खर्च स्पेंड यहाँ करते हैं, तो यहाँ पे अर्निंग्स हो रही है आप लोगों की। तो सिर्फ उनकी वजह से भी इंडिया की, मतलब जो ये सेक्टर एक रेनाउंड सेक्टर बन चुका है और इंक्रीजिंगली इसका कॉन्ट्रीब्यूशन टू योर GDP बढ़ता जा रहा है। आपने मतलब एक आधो कभी डॉक्यूमेंट्रीज आप देखोगे यूट्यूब में, आपको पता चलेगा कि इंडिया का जो मेडिकल सेक्टर है वो कितना बड़ा और एक्सपैंड हो रहा है। इंडिया में दवाइयां भी लगभग बहुत, मतलब काफी दवाइयां इंडिया में बनती है। आप लोगों को पता था ये अभी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ये इंडिया जो बनाता है, वो इंडिया ने कितने सारे कंट्रीज को सप्लाई किया है। ये एक पोटेंशियल कोविड का क्योर लोगों को उस टाइम पे लग रहा था, दो प्रूवन नहीं है ये,
बट काफी लोगों को पॉजिटिव असर दिखाया है। तो वो इंडिया ने कितने कितने सारी कंट्रीज को 10-10, 20-20, 30-30 लाख टैबलेट्स इंडिया ने दिया है, और अपने नेबर्स को तो इंडिया ने लगभग फ्री में दिया। तो इंडिया हैज डेवलप्ड इट्स नेम इन मेडिकल सेक्टर, लेकिन ये इनफ है कि नहीं है? डेफिनेटली नॉट इनफ अपनी बढ़ती पॉपुलेशन को कंसिडर करते हैं। तो अपन कुछ फैक्ट्स देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से आपके लिए काम किया। हाउ मच इम्पोर्टेंट इज द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे भाई? इंडिया का 70% ऑफ जो हॉस्पिटल है वो प्राइवेट सेक्टर रन करता है। हेल्थ केयर 80% आपके जो पेशेंट्स है आउट पेशेंट्स को हेल्थ केयर कौन प्रोवाइड करता है? प्राइवेट सेक्टर। 46% ऑफ इन पेशेंट्स आर एडमिटेड इन हॉस्पिटल। एम्प्लॉयड 22 लाख पीपल, 22 लाख लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट मिलती है। एंड रन 13 लाख मेडिकल एंटरप्राइजेस। मेडिकल एंटरप्राइजेस मतलब ये आपके मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने वाले लोग हो गए, दवाइयों वाले हो गए, ये सब के सब ये जो मेडिकल इस चीजों से रिलेटेड जो एंटरप्राइजेस जो फर्म्स है वो आपके ये हो गए। तो ये आपको एक 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का, 4 मार्क का तो नहीं पूछा जा सकता है कि भाई आपके व्हाट इज द रोल ऑफ, कि भाई प्राइवेट सेक्टर आपके मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, ये सीधा साधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है insufficient public sector health facilities. Only 20% of population avails public sector health facilities. अब private की availability तो 85% बता दिया उसने, लेकिन private कितने लोगों के लिए reasonable है? आपकी major population, आपकी 30% population जिनको healthcare proper healthcare facilities की जरूरत पड़ती है, वो population क्या आपके private sector का वो कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। आपके private sector को वो बिल्कुल भी उनके जेब पे भारी पड़ेगा, वो उनके लिए रीजनेबल नहीं रहेगा। एंड इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इलाज नहीं करा पाते अपना, ठीक है। तो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मेडिकल फैसिलिटीज आपने भले ही कितनी अच्छी रख दी हो, लेकिन वो सारी की सारी अच्छी फैसिलिटीज कौन से सेक्टर में? आपके प्राइवेट सेक्टर में, विच इज वेरी कॉस्टली आपकी मेजर पॉपुलेशन के लिए। नेक्स्ट, अटर लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज। अब कोई खोलना क्यों नहीं चाहता भाई? आज एट द एंड सबका टारगेट क्या होता है कि मुझे पैसा कमाना, ठीक है। पैसा आपको रूरल एरियाज में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वहां पे इतने पैसे वाले लोग नहीं होते, वो जनरली फार्मर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, इतना आपको पैसा नहीं दे पाए, ठीक है। एंड सेकंडली वहां पे इतनी पॉपुलेशन भी नहीं होती। एक रूरल एरिया में आप जाओगे 10 से 20 हजार लोग होते हैं, हर कोई रोज बीमार होता नहीं है, ठीक है। हर कोई आपका रोज बीमार होगा नहीं, और हर कोई जब रोज बीमार होगा नहीं तो जो बंदा वहां पे बैठा रहेगा उसके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं रहेगा कि वो अपने रिसोर्सेज उधर जाके वेस्ट करे। कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो फ्री में इलाज करते हैं, आई हैव हर्ड मेनी ऑफ देम, बट सारे के सारे ऐसे नहीं होंगे। एंड वी शुड नॉट इवन एक्सपेक्ट कि कोई ऐसा करेगा। क्यों करेगा भाई? एट द एंड सबको अपना पेट भरना है, सबको एक डिसेंट अर्निंग और डिसेंट लिविंग चाहिए। तो गवर्नमेंट ने आपके स्टेप्स लिया है। गवर्नमेंट, आपको मालूम है, आप लोगों ने सुना होगा जो मेडिकल वाले होते हैं उनको कुछ टाइम एक रूरल एरियाज में जाके एक एज अ ट्रेनिंग प्रैक्टिस करना पड़ता है। सुना है? Yes, sir. जब आप बन जाते हो तो आपको मैंडेटरीली गांव के विलेज एरियाज में जाके सर्व करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, आपके कुछ स्टैट्स है इसमें अंडरलाइन करेंगे। 70% पॉपुलेशन आपकी रूरल एरिया में लिव करती है, जबकि 20% ऑफ हॉस्पिटल रूरल एरियाज में लोकेटेड है, ठीक है। और 30% ऑफ बेड्स सिर्फ वही आपके रूरल एरियाज में। इन कॉन्ट्रास्ट, 30% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन के पास 80% ऑफ बेड्स है और 70% beds है। There are 0.36 hospitals per lakh of rural population, whereas there are 3.6 hospitals per lakh of urban population. 1 lakh urban population में रहने वाले लोगों के लिए 3.6 hospitals है, लेकिन 1 lakh rurals के लिए सिर्फ 0.36 है। ये 10% से भी ज्यादा का फर्क, 10 times से भी ज्यादा का फर्क, ठीक है। There is only 1 hospital for every 3 lakh rural population, while 10 hospitals for every 3 lakh urban population. One main reason is that doctors prefer to work in urban areas, that too in private hospitals, due to better quality of life in the cities and better earnings. Obviously, poor suffers more than rich. बेटा ये तो होता ही, पैसा रहेगा तो सब आपके पास आएंगे, पैसा नहीं रहेगा तो आपके पास कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, गरीबों के लिए इलाज के लिए जाना चाहिए। पहले क्या होता था कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो हुआ करते थे, तो प्राइवेट हॉस्पिटल आपको बहुत लंबा चौड़ा बिल कमाते थे, तो आप लोग गरीब लोग जो होते थे बेचारे, वो डॉक्टर को नहीं दिखाना प्रेफर करते थे काफी टाइम तक, ये सोचे कि भाई इतने सारे पैसे अपने को लग जाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये आपके आयुष्मान भारत करके, आपने स्कीम सुना है आयुष्मान भारत? सुना है? नहीं सुना।
उसके तहत क्या किया कि आपके जो गरीब लोग हैं, जो मजबूत जरूरतमंद लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर ऐसे जरूरतमंद को जो आप प्रोवाइडेड डिटेल्स प्रोवाइड करो उनको अप टू 5 लाख रुपीज, 5 लाख का पर पेशेंट गवर्नमेंट आपको देगी। आपको 5 लाख रुपए तक आपको कुछ भी पे नहीं करना है। तो जो काफी छोटी मोटी बीमारियां होती है बच्चों, वो 5 लाख रुपए में सलट भी जाती है। बिकॉज रूरल एरियाज और इनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इतना अच्छा होता है कि इन लोगों को बहुत ज्यादा कुछ बड़ी दिक्कत नहीं होती है। और 5 लाख तक के आपके 80% ऑफ योर एलिमेंट्स आर कवर्ड इन फाइव अप टू 5 लाख रुपीज तक का ट्रीटमेंट हो जाता है। तो अब जब ये होने लग गया तो लोग सोचते हैं चलो ठीक है हो गया, एक बार डॉक्टर को दिखा दो, विल गेट आर सेल्स ट्रीटेड क्योंकि गवर्नमेंट पैसा देगी। तो ये एक तरीके से वो है। तो होता क्या है कि सारे हॉस्पिटल्स जाएंगे, वो आपको बिल बना के देगा, सपोज 4 लाख का। आप आयुष्मान भारत स्कीम में अप्लाई कर दोगे प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाके, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हॉस्पिटल को 4 लाख 4.5 लाख रुपए दे देगी और आपके पेशेंट को वो डिस्चार्ज कर देगी आफ्टर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये एक स्कीम है, ये कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुई है। एंड फोर्थ प्रॉब्लम क्या था, वुमेन सफर मोर, देर आर मेनी इंसिडेंट्स ऑफ फीमेल फेटिसाइड्स, किलिंग ऑफ फीमेल चाइल्ड इवन बिफोर शी इज बॉर्न, दिस हैज लेड टू डिक्लाइन इन सेक्स रेशियो, द लार्ज नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स ड्यू टू सिकनेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड अबॉर्शन। ये पहले हुआ करता था बहुत बड़े स्केल में, अब होता है बट ठीक है ड्यू टू अवेयरनेस ये सब थोड़ा कम स्केल में हो गया है। फीमेल फिटिसाइड होता था, फीमेल चाइल्ड अगर आपके उसमें हुआ करता था तो ये लोग उसको प्री मेच्योर निकाल के उसको मारना प्रेफर करते थे। ठीक है, तो इससे क्या होता था आपके मेटरनल हेल्थ को बहुत फर्क पड़ता था और काफी सारी फीमेल इस चीजों में अपनी वाइल्ड डिलीवरिंग या वाइल्ड अबॉर्शन या वाइल्ड ये सब कंटिन्यूसली से इन लोगों ने अपनी लाइफ भी गवाई है। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने पॉलिसीज क्या क्या की है अपन ने पढ़ लिया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, इंडिया का स्टेट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस कर रहा है। अब अपन देखेंगे कि गवर्नमेंट ने इन प्रॉब्लम्स को समझ के ओवरकम करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए। गवर्नमेंट रियलाइजेस दैट इंश्योरिंग हेल्दी लाइव एंड प्रमोटिंग वेलबींग फॉर ऑल इज एसेंशियल टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसेंटली गवर्नमेंट हैज अनाउंस अ नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन 2017, एनएचपी 2017। ठीक है, एनएचपी 2017 में गवर्नमेंट ने आपको अनाउंस करी है। वो उस एनएचपी के हिसाब से क्या हुआ, उसका फीचर्स क्या थे, अंडरलाइन करेंगे, 4 मार्क के लिए आपको पूछा जा सकता है। फर्स्ट, रेजिंग पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर टू 2.5% ऑफ जीडीपी। 2.5% जीडीपी को अंडरलाइन करेंगे कि 2.5% तक आप अपनी पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे। सेकंड, एवरी फैमिली वुड हैव अ हेल्थ कार्ड व्हिच मेक्स देम एलिजिबल फॉर डिफाइंड पैकेज ऑफ सर्विस एनीवेयर इन द कंट्री। मतलब हर एक फैमिली को, 4 की फैमिली 5 की फैमिली जो भी आप बोलो, उनको एक हेल्थ कार्ड दिया जाएगा जिस हेल्थ कार्ड के बदले आप कहीं भी इंडिया में रहो आप प्रेस्क्राइब हॉस्पिटल में प्रेस्क्राइब सर्विसेज आप प्री डिटरमाइंड रेट्स पे ले सकते हो। मतलब पैन इंडिया आप कहीं भी चले जाओ आपको वो सर्विसेज में उतने ही पैसे पे उतनी क्वालिटी पे मिलेगी। नेक्स्ट, फ्री ड्रग्स, फ्री डायग्नोस्टिक एंड फ्री इमरजेंसी केयर सर्विसेज इन ऑल पब्लिक हॉस्पिटल्स, प्रोवाइडिंग लार्जर पैकेज ऑफ अश्योर्ड कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर थ्रू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। ये अभी तक हुआ नहीं है, ये एक पॉलिसी बनाई है, वो धीरे धीरे इंप्लीमेंट हो। ठीक है, देर आर मेनी अदर फीचर्स रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया। एनएचपी 2017 इज अ रीसेंट पॉलिसी, देर हैव बीन मेनी अदर पॉलिसीज डिक्लेयर्ड अर्लियर। गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी टेकन लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स। सबसे पहला, In addition to above, government has been making efforts to encourage alternative system of medicines. So far, major attention has been given to allopathic system. Efforts are now taken to encourage alternative systems. Underline करेंगे कौन से alternative systems हैं medicines के, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। ठीक है, इसका abbreviation क्या निकला है, आयुष। And naturopathy can play an important role. AYUSH program lays focus on education, standardization of drug and quality control, availability of raw materials, building awareness about these systems. Ayurveda तो जिसमें कि अब बहुत ज्यादा famous और बहुत ज्यादा renowned science हो चुका है, इसको सिर्फ इंडिया ही नहीं, इसको वर्ल्ड वाइड इसका recognition है। योगा का भी अब काफी recognition है, अगर आप लोगों को ध्यान है तो आपने सुना है। There have been some positive achievements in the of the policies and steps taken over planning. क्या पॉजिटिव स्टेप्स हुए, अंडरलाइन करेंगे। सबसे पहला, स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो हैव बीन टोटली इरेडिकेटेड, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अदर डिजीजेस लाइक क्या, मलेरिया, टीबी एक्सेट्रा आर अंडर कंट्रोल एंड क्विक ट्रीटमेंट इज पॉसिबल, सेकंड पॉइंट। थर्ड, तीसरा, फ्री वैक्सीन फैसिलिटीज आर अवेलेबल टू चिल्ड्रन थ्रू आउट द कंट्री इन पब्लिक हॉस्पिटल्स, तीसरा। चौथा, मेडिकल फैसिलिटीज आर अवेलेबल टू ऑल पब्लिक हॉस्पिटल्स वर्चुअली फ्री। In spite of all these positive achievements, there is still a lot to be done in the health sector, particularly in rural and
बैकवर्ड एरिया। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा आज, अपन ने देखा कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, फिर अपन ने क्या देखा, फिर अपन ने देखा दो तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, एक होता है आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक होता है आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डायरेक्टली आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करता है। इसका मतलब क्या हो गया, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, रोड्स, डैम्स, कैनल्स एक्सेट्रा। उसके बाद आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो गया, आपका हेल्थ, एजुकेशन, ये क्या करता है, ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। फिर अपन ने देखा था कि भाई आपके इम्पोर्टेंट क्यों है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, क्यों, क्योंकि आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आपका ट्रेड और इंडस्ट्री बढ़ता है। एनर्जी आपके सिलेबस से हट गया। फिर अपन ने देखा था हेल्थ क्या होता है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अपन ने देखा कि एट प्रेजेंट इंडिया का क्या स्टेट है, ठीक है, पब्लिक में और प्राइवेट में। फिर अपन ने देखा कि इंडिया प्रॉब्लम्स क्या फेस करता है, वो प्रॉब्लम्स चार चार प्रॉब्लम्स दी गई, चार मार्क के लिए आपको पूछी जा सकती है। एंड नेक्स्ट अपन ने देखा पॉलिसीज, तो एनएचपी 2017, ये देखो अभी आपकी ये प्रेजेंट गवर्नमेंट का लाया हुआ है, मतलब प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर का लाया हुआ है, तो ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो एनएचपी 2017 उसके फीचर्स आपको दिए हुए। फिर अपन ने देखा कि अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन में अपन ने क्या पढ़ा, आयुष, आयुष मतलब क्या हो गया, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये आपके अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इनको भी प्रमोट करना चालू कर दिया है। नेक्स्ट आपके अचीवमेंट्स अपन ने पढ़े, अचीवमेंट में क्या था कि स्मॉल पॉक्स और पोलियो तो अपन ने टोटली इरेडिकेट कर दिए। फिर आपका क्या हुआ, आपके मलेरिया टीबी था वेल अंडर कंट्रोल, उनकी ट्रीटमेंट है। तीसरा फ्री वैक्सीन अवेलेबल टू चिल्ड्रन, ऑल चिल्ड्रन थ्रू आउट द कंट्री, पब्लिक हॉस्पिटल में जाओगे तो। एंड नेक्स्ट क्या है, वर्चुअली फ्री मेडिकल फैसिलिटीज आर वर्चुअली फ्री इन ऑल आपके पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल या पब्लिक हॉस्पिटल, ठीक है। समझ में आया चैप्टर दोनों को? यस सर। ओके, ठीक है। इसके पीछे के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और वो सब आप देख लो, ठीक है। मैं आपको आज का रिकॉर्डिंग और दो पिछले दो दिनों का एम्प्लॉयमेंट वाला रिकॉर्डिंग भी आज ही ग्रुप का अभी डाल रहा हूँ, इनफैक्ट थोड़ी देर में अपलोड कर, ठीक है। कल अपन लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टार्ट करें। बाय क्लास।